हेलो दोस्तों, कृषिएट में आपका स्वागत है। वन प्लेस फॉर स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सॉल्यूशंस। हेलो दोस्तों, कृषिएट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन यानी कंधे का दर्द क्यों होता है और इसको कैसे ठीक करें। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। कंधे में दर्द होने का पहला मुख्य कारण है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। कंधे के अंदर मेनली चार मसल्स होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलारिस। इन मसल्स में इंफ्लेमेशन के वजह से सूजन आ जाना कंधे में दर्द होने का एक प्रमुख कारण है। ये प्रॉब्लम आमतौर पर 40 से 60 साल के बीच के लोगों में देखने को मिलता है। जिन लोगों को डायबिटीज और थायराइड का शिकायत है उन लोगों में यह ज़्यादा दिखाई देता है। इस बीमारी के लक्षण के बारे में बात करें तो आपको कंधे में दर्द होता है, कंधा ऊपर ले जाने में और साइड की तरफ ले जाने में दर्द महसूस होता है। कभी कभी रात में सोते वक्त भी दर्द महसूस हो सकता है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको एक शोल्डर स्पेशलिस्ट का सलाह लेना चाहिए। डायग्नोसिस कन्फर्म करने के लिए एक MRI का ज़रूरत होता है। अच्छी बात यह है कि इस बीमारी 95% लोगों में बिना सर्जरी के ठीक हो जाता है। कंधे में दर्द का दूसरा प्रमुख कारण रोटेटर कफ टियर है। इस कंडीशन में रोटेटर कफ का एक्चुअल टियर हो जाता है, मतलब आपके कंधे के मसल्स फट जाती है। इसका बहुत सारे कारण है। ये चोट लगने से, भारी वजन उठाने से, हाथ के बल पर गिरने से और टेंडन कमजोर होने से फट सकती है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। रोटेटर कफ टियर में कंधे में दर्द तो होता ही है, इसके साथ कमजोरी भी आ सकती है। खास तौर पर कंधा ऊपर ले जाने का कोशिश करें तो दर्द महसूस होगा। कभी कभी कंघी करने में भी परेशानी आ सकती है। कंधे में दर्द के साथ कमजोरी आ जाना रोटेटर कफ टियर का लक्षण होता है। इसको कन्फर्म करने के लिए एक MRI का ज़रूरत होता है। MRI स्कैन में आपका रोटेटर कफ की फुल थिकनेस टियर आती है तो आपको आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी की ज़रूरत होती है। रोटेटर कफ टियर में किसी भी तरह का दवाई, इंजेक्शन और फिजियोथेरेपी काम नहीं करेगा। इसका इलाज सिर्फ सर्जरी से होता है। कंधे में दर्द होने का तीसरा प्रमुख कारण है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। कंधे में एक हड्डी होती है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। वो हड्डी बढ़ने के वजह से कंधा ऊपर उठाते वक्त रोटेटर कफ मसल दब जाता है। इसके वजह से कंधे में दर्द चालू होता है। ये तकलीफ आमतौर पर 40 साल के उम्र के बाद दिखाई देता है। पहले आपका शोल्डर सर्जन इसको पता करने के लिए कुछ क्लिनिकल टेस्ट करते हैं, बाद में इसको कंफर्म करने के लिए एक MRI किया जाता है। 90% लोगों में इस बीमारी के लिए कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। अगर कंधे की हड्डी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो एक आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन के द्वारा सर्जरी करके इसको ठीक किया जा सकता है। इसको हम आर्थ्रोस्कोपिक सबाक्रोमियल डिकम्प्रेशन और आक्रोमियोप्लास्टी बोलते हैं। कंधे में दर्द होने का और भी बहुत सारे कारण हैं। इनके बारे में हम पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए नीचे दिया हुआ नंबर पर अपना MRI भेज के एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।